हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेल फ़ोन है जो कि सेल फ़ोन ओपन है इस समय। तो इस सेल फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेल फ़ोन का जो है कि माइक बिल्कुल सही है और इसका सारा ट्रैक भी हमने चेक किया है, सारा कुछ ठीक है। पर इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि अगर हम इधर से कॉल करते हैं तो जो आउटगोइंग कॉल जाती है उसमें एक अजीब सा खरखर खरखर करके आवाज़ जा रही है, जो कि वो अगले को जो भी आवाज़ है वो क्लियरिटी सुनाई नहीं दे रही है। तो ये अक्सर प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हमने जो है कि दूसरा माइक जो है कि इसमें लगा के चेक किया, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। क्योंकि ये माइक पुराना वाला भी जो माइक था वो भी ठीक था, हमने नया माइक लगाया उससे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि आवाज़ जो है कि उस साइड जो है कि बहुत खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही है, अजीब सा आवाज़ आ रही है और जो है कि आवाज़ क्लियरिटी नहीं जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो ग्राउंड होता है माइनस पॉइंट, ये तो ग्राउंड पे आप चेक कर लीजिए, ये तो ग्राउंड सही हो कि नहीं है। अगर ये सही है तो ये जो प्लस पॉइंट है निगे तो इस पर ही वर्क करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। और आप सभी से एक ही वो है कि हमारे वीडियो को देखकर तो सभी को ये लाइक बहुत कम आता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक तभी कीजिएगा अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको वीडियो अच्छा लगे। तो जैसा भी आपको मन हो, लाइक डिसलाइक जो भी हो वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि हमने इसका प्लस पॉइंट छुड़ा दिया हूँ, तो अब मेरे पास एक डेट सेल फ़ोन है। तो आपका किसी भी कंपनी का कोई भी डेट सेल फ़ोन हो सकता है, मेरे पास यह सैमसंग का डेट सेल फ़ोन है। तो यहाँ पे माइक के पास से जो यहाँ पे ये कंपोनेंट होता है, तो हमें एक ये जो है कंपोनेंट निकालना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पे भी पेस्ट लगा देते हैं क्योंकि रिमूव अच्छे से हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से बहुत ही आराम से एक कंपोनेंट को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरा रिमूव हो गया है, बाकी बोर्ड को उसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पे तो इस कंपोनेंट के जो है कि एक सिरे को हम इसमें सोल्ड कर देते हैं। तो ये जो है कि कंपोनेंट हमारा सोल्ड हो गया है। अब ये जो हमारा प्लस पॉइंट है, इस कंपोनेंट के जो है कि दूसरे सिरे पे हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। तो जैसा कि सोल्ड हो गया, हम आपको थोड़ा सा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये जो कंपोनेंट था हमने पहले यहाँ पे सोल्ड कर दिया, उसके बाद जो ये दूसरा सिरा निकला है हमने यहाँ पे जो है कि इसको सोल्ड कर दिया हूँ। तो अब जो है कि इससे जो भी ये करंट आएगा माइक तक वो जो है कि फ़िल्टर होके आएगा, और जो है कि उसके बाद जो आप जब भी कॉल करेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी बात आए सुनाई देगी अगले को। तो ये बहुत ही सिंपल सा था ट्रिक जो है कि आप इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो कस्टमर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसका जल्दी रिपेयर हो नहीं पाता। बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता क्या करना है, नया माइक लगाना है तो नया माइक लगा दिया फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा।